Hi guys, welcome to my channel. I am Pallavi. I hope you all are doing great. So, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा CTM रूटीन. So, जिन लोगों को नहीं पता है CTM रूटीन क्या होता है, So, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि CTM रूटीन क्या होता है. So, ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. एंड वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे. एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. एंड ये वाला वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, सो ज़रूर शेयर करें. सो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. सो फर्स्टली हम बात करते हैं CTM रूटीन क्या होता है. तो CTM रूटीन होता है क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. सो CTM रूटीन इज लाइक अ बेसिक स्किन केयर रूटीन. सो आपको 24 आवर में 2 टाइम्स CTM रूटीन फॉलो करना है. सो अगर आप रेगुलर अच्छे से CTM रूटीन फॉलो करते हो तो आपको कोई भी फेस मास्क या फेस पैक एक्स्ट्रा चीज़ें यूज नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर अच्छे से ये रूटीन फॉलो करते हो तो. क्लिंजिंग के लिए या तो आप क्लिंजर यूज़ कर सकते हो, किसी कोई भी क्लिंजर जो आपका फेवरेट है आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो एज अ क्लिंजर. सो क्लिंजर का काम यही होता है कि आपके स्किन को वो क्लीन करे एंड जो भी डेड स्किन वगैरह होते हैं, जो भी डर्ट आपके स्किन पे होते हैं वो उसको क्लीन करे. तो आप फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो. सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ निविया का मिल्क डिलाइट फेस वॉश. तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हो. सो मैं इसे अपने हैंड पे लूंगी. अच्छे से अप्लाई करना है एंड बहुत अच्छे से इसे मसाज करना है ताकि आपके जितने भी डर्ट हैं वो अच्छे से निकल जाए. अब देख सकते हो मैं बहुत अच्छे से मसाज कर रही हूँ. सो अब हम इसे जाके वॉश कर लेंगे. सो क्लिंजिंग हमारी डन हो चुकी है. सो अब हम आगे बढ़ेंगे टोनिंग की तरफ. तो टोनिंग के लिए आप कोई भी टोनर ले सकते हो. मार्केट में बहुत सारे अफोर्डेबल टोनर भी आते हैं, जैसे कि गुड वाइब्स के, बायोटिक के, बहुत सारे आते हैं. एंड अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते हो, अगर आप टीनेजर्स हो, तो टोनर यूज़ करने से अगर आपको डर लगता है कि आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो सकती है, सो आप सिंपली कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो. रोज़ वाटर सबसे बेस्ट टोनर होता है आपके स्किन के लिए. सो आप यूज़ कर सकते हो. सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का ये टोनर. सो मैंने यहाँ पे लिया है एक कॉटन, आप देख सकते हो. सो मैं अपने प्रोडक्ट को इस कॉटन पे लूँगी एंड इसे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हो. टोनिंग करने से आपकी जो फेस है ना वो और भी ज़्यादा रिफ्रेश लगती है, क्लीन हो जाती है ना, आपके ओपन पोर्स जो है ना वो भी फिल इन हो जाते हैं. सो आपको करना चाहिए एंड बहुत ही हेल्दी स्किन लगती है टोनिंग करने के बाद. सो आपको टोनिंग ज़रूर करना चाहिए. एंड गाइस जब आप अगर आप रात में टोनिंग कर देते हैं ना, तो आप अपने टोनर को हल्का हल्का अपने आइज के जो एरियाज होते हैं ना डार्क सर्कल वाले, वहाँ पर ऐसे पैड करें जिससे मैं कर रही हूँ. इससे बहुत रिलीफ मिलेगी आपके आइज़ को, जो भी आप पूरे दिन थक जाते हो ना, सो वो भी दूर होगी. हल्का सा बहुत ही ईजी फील करेगा आपका आइज़ एंड धीरे धीरे जो है ना डार्क सर्कल्स भी वो क्या होंगी, रिड्यूस होंगी. सो आपको ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है नाइट टाइम में. वो थोड़ी देर के लिए आप इसे अच्छे से अपने स्किन में ऑब्जर्व होने दें, देन आप नेक्स्ट स्टेप करें. सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉइस्चराइजर. सो मॉइस्चराइजर आपकी स्किन ड्राई है या फिर आपकी स्किन ऑयली है, नो मैटर, आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है. बट आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर यूज़ करें. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एक थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करें जो कि बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करे. एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करें जो कि थोड़ा सा मॉइस्चर भी प्रोवाइड करे बट आपके फेस पे ऑयलनेस भी ना छोड़े. सो या बट मॉइस्चराइजर यूज़ करना है.
सो मैं मॉइस्चराइजर के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम. सो ब्राइटनिंग इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट ये मॉइस्चराइजिंग का वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा करता है. मुझे एज अ मॉइस्चराइजर ये बहुत पसंद है, बहुत अच्छा वर्क करता है. एंड सेकेंड थिंग, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत प्यारी है, बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस, एकदम कोकोनट वाली. सो मुझे अच्छी लगती है. सो यू कैन यूज़ दिस. सो मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने स्किन पे और आपको अच्छे से मसाज करते हुए इसे अपने पूरे फेस में अप्लाई करना है. एंड आप जरूर, एंड अगर आप टीनेजर्स हो तो आप ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हो, देन आपको ज़रूर से टीएम रूटीन करना चाहिए. इससे आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको ये रूटीन फॉलो करने से. सो या गाइस, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा सीटीएम रूटीन. 3 स्टेप में हमारा सीटीएम रूटीन होता है, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. सो आप इसका फर्क कुछ दिन में ही आपको मिल जाएगा. सो आपको ये रूटीन ज़रूर फॉलो करना है. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.